नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष खबरें। इस वक्त मैं हूं वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सूबे की योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के आवास पर, जहां समर्थकों की भारी भीड़ जमा है। मंत्री जी भी कुछ खास लोगों से मुलाकात करने गए हैं। आइए, यहाँ जो लोग बैठे इनसे बात करते हैं कि क्या है चुनावी माहौल, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार निषाद, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी, बनारस जिले का रहने वाले हूँ, शिवपुर से। क्या माहौल चल रहा है? माहौल ठीक चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव क्या है मुद्दा? सर, हम लोग का ये मुद्दा है कि हम लोग का थोड़ा आरक्षण मिलना चाहिए। प्रदेश सचिव निषाद पार्टी के, और हम लोग बताता है विधानसभा के क्या माहौल चल रहा है। माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग एनडीए के साथ गठबंधन है, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल पार्टी से हम लोग हैं, और हम लोगों का बहुत बढ़िया से हम लोग चुनाव निकालेंगे। शिवपुर में लड़ाई किसके बीच है? देखिए, शिवपुर में तो ऐसे भाजपा का बहुत बोलबाला है, तो उसके बाद में सपा है पीछे। विपक्षी दल के मुद्दे सब बेबुनियाद हैं, भारत पूरे भारत में विकास की धारा बह रही है। मैं भी मोकलपुर से हूँ। क्या है आपके गाँव की मूलभूत समस्या क्या है? हमारे गाँव में जो समस्याएँ थी, जब से माननीय मंत्री जी यहाँ के विधायक बने, तब से सारी समस्याएं हमारी समाप्त हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मंत्री जी के यहाँ निषाद पार्टी के लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। ये इस बात की गवाही है कि निषाद समाज मंत्री जी के साथ पूरे दमखम के साथ लगा हुआ है। क्या है शिवपुर का चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा हमेशा शिवपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे काशी हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास होता है। अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370, ये सारे मुद्दे, भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, ये कितना बड़ा मुद्दा है? नहीं नहीं, ये अपराधियों पर बुलडोजर चलाना ये मुद्दा है कि नहीं? ये सब आस्था और श्रद्धा की बात है। राजनीति में आस्था श्रद्धा को नहीं लाना चाहिए। हम लोग तो मोदी जी ने जो सिद्धांत दिया सबका साथ सबका विकास वाला, उसी पे हम लोग काम करते हैं, और जनता भी उसी पर मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है। एक शिवपुर में जो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, खासकर ब्राह्मण, ये सब लोग थोड़ा नाराज है, इस पर क्या उनके लिए क्या संदेश? कोई नाराज नहीं है। लोग बता दें मंत्री जी मिले उले नहीं? नहीं, ये विरोधी भी अपना कहते रहते हैं, कोई नाराज नहीं है। 10 तारीख को परिणाम आएगा, आप देखिए। नहीं, इसे गाँव में विकास का कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, पैसे के ऊपर हुआ है। पैखाने का 12,000 था, 8,500 हमको मिला, खा गए चोरवा। कौन खाया? अरे प्रधान सेक्रेटरी खाएंगे, और कौन खाएंगे? प्रधान जी कहाँ आप आइए, प्रधान सेक्रेटरी खाएंगे। अरे प्रधान जी को सब खुलेआम चोर कर रहे थे। एक मिनट, 12,500 का चेक था, इनको चेक दिया गया है। चेक नहीं मिला था, चेक नहीं, झूठ मत बोलो प्रधान। चेक नहीं मिला था, बैंक में भेजा गया था, चेक नहीं मिला था, चेक नहीं मिला था। जबरदस्ती नहीं, शांत रहा, अभी हम दियावत नहीं है। इनको विड्राल वहाँ 10-10, 12-12 का एक अकाउंट में पैसा डाला गया है, 12-12 हजार पैसा वहाँ बैंक में डाले हैं। 8,500 मैं वहाँ चेक करा अपने खाते पर, वो बोला 8,500 आया है, ये चेक नहीं दिए हैं। चेक ना दे तो हम विड्राल भी बार आया है, आवास भी नहीं मिला है, कटता चला गया, पैसे के ऊपर आवास मिलता चला गया। कितना कटता, कितना दलाई रहा प्रधान जी का? अरे 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार। ये कैसा झूठ थोड़ी मुंह? 30-30 हजार इनको आवास कहाँ मिला है कि तब से कब 20 हजार? हाँ, खा गए हो, खा गए हो, दूसरे के दे दिए हो। हाँ, तो आप दे दिए हो दूसरे के पास। शांत रहा, हाँ, सानत का है, बोलो हमने सानत है। सूची में नाम था, वही वही हम आवास दिए हैं, इसमें कैसे कह देते इनका नाम? अरे वो छोड़ा जो जो शौचालय दिला, हमें पैसा खा गया बोला। अरे ये हम प्रूफ देंगे, 12,000 का प्रूफ देंगे इनको। बैंक से प्रूफ चाहिए? बैंक से हमको प्रूफ चाहिए। प्रूफ मिले? 8,500 हमको मिला है। ले दारू हा, दारू आवा था, आई आवा था, मटन आवा था, पाल्टी हो था, अब न लेबे। हाँ तो ले तो घुसा था, तो काहे 3 लाख हुए? हाँ, 12,000 का हमको 8,500 तो खाते में 12,000 गया। अरे प्रधान जी, देखिए हम लोग को जो प्रधान जी लोगों के बारे में मालूम है कि आप लोग
पेमेंट तो खाते में डलवाते हैं लेकिन ले लेते हैं, ये जो दिमाग आप लोग लगाते हैं। तो हम 12,000 का पेमेंट किया तो उसमें 12,000 इनको खाते में मिला है। अच्छा, इस गांव में देखिए अभी आपके सामने अगला बोल रहा है, ये इतने बुजुर्ग आदमी है तो सम्मान करने योग्य है, अगर इनकी नाराजगी ज्यादा है इनकी बात हमारी सुनिए। राजभर समाज के हैं, राजभर समाज के, तो हमारी भी बात सुनिए। जिनको बीपीएल सूची में नाम था ये मोदी कार्यकाल में, उन्हीं को आवास दिया गया है। क्या शिकायत है भैया आपको यहाँ के? ये शिकायत है कि अनिल राजभर को हम लोग बुलाएं, गांव के 10-15-20 लोग मिल करके हम लोग बुलाएं अनिल राजभर को, तो इन्हीं का बेटा थे और उनका उनको यहाँ पे कैंसर हो गया था और यहाँ आए थे इसी दरवाजे पे। अनिल राजभर जी बोले कि आश्वासन बस दे करके चले गए, बोले एक हफ्ता में हम तो भविष्य खराब है, बड़े हमारा तो भविष्य खराब रहा, तू कहबा तब हमारे लड़का मर गल, हमने कहली हमने के कुछ तोहार कुछ न चाहिए, खाली हमने के तू भर्ती करा दा तब वो ना सुन ला कहाँ तो भविष्य हमारे देखा इतना तो तब बच्चा लेके हमार कहा जाए लड़की अपने बच्चन के खियाएगी, हमने वो के खियाएगी अपने बच्चन के खियाई बा कौनो सुनवाई अनिल ना कहले। भाई बहुत नाराजगी है और जिसका जवान आ जाए हमारे द्वारे तो चप्पल चप्पल हम मार के अनिलवा के। अरे मंत्री है इज्जत से चाहे खंजाट हमने के लिए अंतरी मंत्री उना है। अरे मंत्री के इज्जत से नाम ला कहे इतना गुस्सा हो? नहीं हमने ओके ना जानी थी मंत्री, ओके मंत्री माने कुछ ना हम समझे अनिलवा मनिलवा। हमारा छोटा छोटा बच्चा लेके हमारा दमे था ना बिल्कुल कुछ ना कैले सू तो मंत्री रहल ना। राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता अनिल राजभर या ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि वो बताते कि आप लोडर हैं। 10 मार्च को फैसला हो जाए। चादमारी दांदूपुर का रहने वाला हूँ, शिवपुर विधानसभा में मेरा निवास है और इस बार का चुनावी मुद्दा ये है कि सपा बस वो हल्ला कर रही है, कहीं चुनाव में है ही नहीं। शिवपुर का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? मेरा नाम प्रकाश राजभर है, मैं भारतीय जनता पार्टी लम्हनी मंडल 386 शिवपुर विधानसभा का भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ और इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है, मोदी योगी जी के किए गए कार्यों पर हो रहा है। क्या लगा कि अनिल को क्या मैं दर्शन करने आया हूँ यहाँ पर, मैं उनको वोटिंग करूँगा? और सुनिए आप हमारी बात सुनिए, क्यों करूँगा? ये राष्ट्रहित के लिए करूँगा, अगर भाजपा रहेगी तो हिंदुस्तान रहेगा। शिवपुर विधानसभा में है हाँ। क्या आपको शिकायत है जैसे मुसलमानों से? भैया यही बोलते हैं कि मुसलमान की जब से योगी आए हैं तब से रोग आए। अरे योगी ना रहते तो इतना आदमी यहाँ रहते नहीं, सब लोग अपलोट हो जाते, वही समझ लीजिए कि बचाए हैं। कहाँ से हैं, क्या नाम आपका? टेम्पो पे चलाते हैं आप? हाँ टेम्पो चलाते हैं। क्या चुनावी माहौल है इस समय? तो संतोष मिश्रा, रिंग रोड, हरिवल्लमपुर गाँव। आपका नाम क्या है? भोले शंकर। क्या माहौल है, किस मुद्दे पर इस बार चुनाव? मुद्दा तो बहुत सारी है, वह जो मुद्दा है सब सॉल्व है। क्या माहौल चल रहा है इस समय? वही सपा सरकार का। किस मुद्दे पर मतदान होगा? मुद्दे तो यही है, रोजगार और बेरोजगारी और महंगाई। कि आपने 5 साल योगी सरकार को भी देखा, अब पिछले 5 साल अखिलेश सरकार को भी आपने देखा है, किसका कार्यकाल एक प्रधान होने के नाते आपको अच्छा लगा? कार्यकाल तो इनका बढ़िया था। यहाँ पे इस गांव की बात करें, कार्यकाल इनका बढ़िया था, सिर्फ दो ही मुद्दा है कि बेरोजगारी और महंगाई। वर्तमान जो मंत्री जी हैं अनिल राजभर जी, इनकी इस गांव में कैसी छवि है? छवि बहुत अच्छी नहीं है, नाराज हैं लोग यहाँ पे। गांव में कोई विकास मुद्दा उनका कोई विकास नहीं है। तो इस बार जो मतदान होगा वो योगी मोदी के नाम पर मतदान होगा कि अनिल राजभर जी के से नाराज लोग उनके खिलाफ मतदान कर देंगे? उनके खिलाफ मतदान करेंगे। मोदिया का चला था। अच्छा तोरिया के माहौल चला था तो वो नहीं का बात है, मोदिया का किया और के कर बात। ये हरिवल्लभपुर के गणेश प्रधान जी हैं, इनका कहना कि 5 साल में इनके गांव की एक छोटी सी सड़क है, मामूली सड़क है, जिसके लिए कई बार अपने क्षेत्र के विधायक और मंत्री से मिले हैं लेकिन ये काम नहीं हुआ। दिखाए क्या मामला है बताएं? मंत्री जी बहुत पत्राचार किए मगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कार्य भी नहीं हुआ। तो मैंने ये सड़क काफी पुरानी लग रही है। आप अच्छा आप प्रधान से आप लोगों ने कुछ कराया? 40 साल पहले का है। अच्छा। देख सकते हैं इस गांव की हालत काफी खराब है। माताजी का हालचाल हो? देखा चुनाव ना में का माहौल बना था, कितने पक्ष में माहौल बना था? अब दिहल जाई जके दिहल जाई योगी के दियाई कि मोदी के दियाई कि अखिलेश के? अब के बताओ जैसा है यह कि पानी का निकास करें जो वर्तमान में जो विधायक हुए कुछ काम कहीने कि नहीं कैला? नहीं देखा गढ़ा धक्का दे पानी का निसार है या नहीं हो
ये हमारे गांव में तो बहुत समस्या, नाली नहीं है, पानी बहने का व्यवस्था नहीं है, किसी के घर घर गिर जा रहा है, किसी को बन नहीं रहा है। तो मंत्री जी हुआ यहाँ के भाजपा वाला, वो कोनो काम किए कि नहीं किए यहाँ पे? अभी क्या किए हैं, अभी तो देख आप ही देख ही रहे हैं कैसा, आप दिखा दीजिए कैसा सबका घर है। तो इस बार क्या माहौल है, किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? पक्ष में माहौल तो बन ही रहा है, अब जो हम लोग का जिनके विचार है उनको देंगे। तो हर का स्थिति, अरे मनो का घर गिरल बा। अरे मंत्री जी के यहाँ कुछ मदद भइल कि नहीं भइल? का मदद भइल, वह तेल दे देते हूँ या राशन 5 किलो इतने में हो जाता। 5 किलो राशन दे दे रहे हैं, मान लीजिए 2 महीने से 1 रिफाइंड का तेल दे रहे हैं, इतने में सब खा के हो जाएगा? अब बच्चों को पढ़ाई का नुकसान जा रहा है, आप पे बताइए, किसी को और दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे, हमको तो गैस तक अभी तक नहीं दिए हैं। हरबल्लभपुर की ये टूटी फूटी सड़क आप देखिए, शायद लोग अगर बरसात होगा तो पैदल भी नहीं चल पाएंगे। आइए यहाँ के कुछ अन्य मतदाताओं से बात करते हैं कि क्या है मुद्दा, आप भी इसी हरबल, क्या समस्या है इस बार यहाँ पे यूपी में? समस्या यह है कि तंस की नाला नहीं, सड़क नहीं है। तो आपकी क्या स्थिति है, जो वर्तमान मंत्री जी अनिल राजभर के बारे में क्या स्थिति है? खुश का बात, आदमी कारत का हुआ। क्या समस्या बतावा? अरे भैया यहाँ तो सबसे ज्यादा दिक्कत पानी का होता है, और बारिश होता है तो पानी बहने के लिए कोई साधन नहीं है। तब मंत्री जी कुछ काम किए नहीं 5 साल में? नहीं कुछ काम नहीं किए। नाराजगी हो आप लोगों का? हाँ बहुत। तो योगी मोदी कोर्ट उठ दिया कि न दिया ये बात? योगी के न दिया, अरविंद राजभर के दिया। क्या माहौल है इस गांव में? कुछ माहौल सब सही, अपन अपन जगह। मोदी का किया 5 साल में का किया? अरे मुफ्त में राशन देलन, घर देलन, सुना पूरी बात? सेती में राशन पौलू, सेती में घर पौलू, ओकरे बाद आपके शौचालय मिल गए, और का चाहिए, सेती में गैस के सिलेंडर मिला। लेत ना हन भरात ना होकर पैसा बकवाद करत है। न कोई विकास मिला है हमको, न एक आवास मिला है, न एक चपाकल मिला है, पानी पीने के कोई दिक्कत परेशानी हमको बहुत हो रहा है, एक निपटने का शौचालय भी नहीं मेरे पास है। देख गाँव में सबके शौचालय चलो बनल हो, चलो मेरे घर देख लो, देखो शौचालय बना है मेरे घर। के वोट मिली? मोदी सरकार 200 रुपया किलो कड़ू तेल कैले है, अखिलेश बने तो फकलेश बल हुए तो के नेता गिरी बनल, मगर काम अले पर कोई नहीं लोग कर सका उन्हें। आप देख सकते हैं इस गांव में पानी की काफी किल्लत है, नारकी स्थिति है। ये जो नापदान है, पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं क्या? यार निकासी कोई व्यवस्था नहीं? नहीं कोई निष्ठा ना है प्रधान जी। इस गांव की पूरी सड़क की हालत काफी खस्ता है, सब मरम्मत कराया गया था, मरम्मत पर उसके बाद बारिश में सब यहाँ करार होने के बाद पोखरी का मतलब करार होने की वजह से गिर जा रहा है, नाली का निकासी का यह है व्यवस्था। सूबे की योगी सरकार विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये हरबल्लभपुर का विकास आप देख सकते हैं कि हालत काफी खराब है। फुटा में भाई घर दुवार से बैठा चाहला, तो कवन हाल चाल बताई कि नीक भाई कोनो मदद नहीं कैलन? कवन मदद कैले भाईन, देखा हुआ टूटा फूटा घरे में भाई। आपकी के ओट और जब बरसात आई तब भागम निकल निकल बहरे, आपकी का हुई ओट ओट के दिया के दे जके कहा थे के दे जोन हमारे भाई जे टूटा फूटा उनके देबू के कई और के देबू का करी के दे। प्रधान जी ये जो नंदघर बना हुआ है हरबल्लभपुर में, ये नंदघर 2002-03 में मैं ही प्रधान था, अगले बार 2000 से 2005 तक तो उसमें आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए थे, अब उसको डेंट पेंट करके उसको केंद्र सरकार द्वारा या यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये नंदघर नाम दे दिया गया। हरबल्लभपुर का है क्या नाम है? हमारा नाम है सुरेंद्र राजभर। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल ओम प्रकाश का माहौल बन रहा है। अरे भाई तो अनिल राजभर भी तो राजभर के सबसे बड़े नेता बताते हैं, वही सबसे बड़े नेता हैं, उनके पक्ष पूरा माहौल है समाज का। अब विकास क्या किए हैं 5 साल में? रोड देख रहे हैं? देख रहे हैं रोड देख रहे हैं कि नहीं? 5 साल में क्या किए हैं राजभर के लिए? एक लड़का को एडमिट नहीं करा पाए मंत्री रह के भी। किसके लड़के को? यहाँ कैंसर हुआ था नथु राजभर का, उसको एक हफ्ता का मोहलत मारे लेकिन एडमिट नहीं करा पाए, वो मंत्री हैं। गरीबों का छू रहे हैं, वही बड़े बड़े लोग का छू रहे हैं। माहौल देखिए जो है यहाँ पर जो है अरविंद राजभर चुनाव जीत रहे हैं, और क्योंकि समाज से आप हम ब्राह्मण समाज से हैं,
ब्राह्मण समाज से हैं और आप बता रहे हैं अरविंद राजभर चुनाव जीत रहे हैं और भाजपा कहती है कि सारा समाज उनके साथ है। नहीं, समाज से मतलब नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, समाज अगली बार उनके साथ था लेकिन इस बार जो है माहौल अरविंद राजभर जी के साथ है, क्योंकि मंत्री जी ने 5 साल में सिर्फ अपना विकास किया है। क्या विकास किया उन्होंने अपना? आप न्यूज उठा देख लीजिए, जो 6 गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई, उनके साथ रहने वालों का जो संपत्ति बढ़ गया, और रोड रास्ता आप देख ही रहे हैं जो है लोगों का। अरे केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रही है, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, व्यक्तिगत अगर बता दिया जाए उनको तो जिला पंचायत सदस्य या सदस्य नहीं जी सकते। आप किस समाज से हैं? हम राजभर समाज से हैं। किसके साथ आप लोग? हम लोग हैं अरविंद राजभर के साथ। काहे का दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कौन दिक्कत है? ना दिक्कत है, तेल तेल दूसरा को जिंदगी में ना भर लो, इतना महंग तेल हो गया है। 1000 गैस बा, पैसा 600 रुपया गैस रहा, सिलेंडर रहा, इतना महंगा गैस हो गल बा। करेजा काट काट निकालत हूँ गरीबन दुखियन का। करेजा काटत हूँ? करेजा नहीं काटत बा, दुहत बात हूँ। 200 का तेल भी मिलत बा, कोनो जिंदगी में मिलल 200 का तेल। आया लवास काट के 200 दे के दे देलन प्रधान, चलला आया लवास। के प्रधान भैया? प्रधान हुआ प्रधान। ला भाई प्रधान जी जवाब दा, जवाब दा। ऐसा ना कि ओके, जो लिस्ट में नाम था उसमें नाम इनका नहीं है। नाम हमरा ससुर का नाम रहल, ससुर का आल रहल, दरा सुनवा बहिन का बनल, संगा कमर ना बनल। बोला प्रधान जी बात? अरे उसमें गलत बोल रही है ये, हम लिस्ट पूरा एकदम आंकड़ा दिखा देंगे, उसमें अगर नाम उनका होगा तो हम आवाज तो देवे के चाहिए, आवाज बने के चाहिए। के जिम्मेदार हो? जिम्मेदार अनिल राजभर भी हुआ, प्रधान जी भी हुआ। अच्छा ये बताओ, आवास वास जिके मिलल उनमें पैसा वैसा का कमीशन खाल गल कि नहीं खाल गल? पैसा खाल गल तब ना। कितना, कितना एक आवास पे कितना खाल? हमें मिलल ना बा, जे ले ले बा, उनमें 10-20 हजार खेले जरूर है। सब के प्रधान जी खेने के खेले? अब मैं खाए वाला आदमी प्रधान सिक्टरी खयन और के खाए के खैला सर। हां प्रधान खयन सिक्टरी खयन। कितना खाद रहने एक आवास में? 10 हजार खा, 20 हजार खा। बोला भैया प्रधान जी सब आरोप दिखा। हम कह आरोप लगा रहे हैं ना, सामने बोले हैं ना, तो हम भी बोले हैं यही लड़का का आवास बना है इनके घर पे, पूछ लीजिए कई हजार दिए हैं। क्या भैया तू दिलेगा? नहीं नहीं भैया, हम प्रधान जी को 1 रुपया नहीं दे। जब तुम्हें मिल गया तो बोलपा? नहीं हम पूरा बस्ती कर, हम न रहे वहाँ पे, आप जाकर सर्वेक्षण करा लीजिए। यह देखा पोखरी भर जाला तो दुआरे ले पानी भर जाला, रास्ता ना सही है। तो प्रधान जी यहाँ हुआ, मंत्री जी हुआ, सब लोग काम कुछ कैला कि नहीं कैला? का कैले? कुछ तो ना कैले, पोखरी भर जाला दुआरे ले पानी भर जाला, हमरे पानी में से आई ला जाई ला, कोई सुनवाई ना। किस समाज से आप हैं? हमारा नाम लाल जी राजभर। क्या माहौल है यहाँ पे इस चुनाव में, क्या है इस गाँव का मुद्दा आपके? गाँव का मुद्दा सब छड़ी बजाता सफा पर। अरे भाई इतना गांव पे विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 100 फुट का रास्ता वही कीचड़ में से अनिल आते हैं जाते हैं, उनका आँख अंधा है कि आप राजभर हैं भाजपा के हैं, हम लोग का रास्ता कम से कम बना दिए कि हमहूँ आप लोग की तरफ झुके। यही बताओ जिससे अब की क्या स्थिति, अब की अनिल राजभर के खिलाफ माहौल है? एकदम खिलाफ है, हम लोग चाहते नहीं है। 10 साल नहीं सोचलन तो आप क्या सोची है? ये मकान का हालत काफी खराब है, ये बड़ेरी लगा हुआ है। हाँ बस्सी बल्ली लगल बा, हुआ देख ला, वो देखैबा करे यो देख ला। का हम झूठ बोला था? 5 साल एदा 5 साल ओदा तो ना कैला तो अब करिया। वो फिर बांस थोड़ा देवका खा गल है, डराम लगत है, लपत है, कहाँ रहल जाई, रह के ठिकान नहीं बा। कैसो कैसो गंगा माई एक भैनी अपन पेट काट के तो कैसो गंगा लगौली, तो ये कुल आप लोगन ओजना ना देवा तो कैसे चली जाई। वहाँ सुतल है मर जा तो का होई? मड़ई लगा ला, घर एकदम गिर गल है, गिर के गिरल इतना यही सुतल लाली, यही ठे धाड़ से देवाल गिरल। आज भसुर ना निकले तो मरी न गल होतन, आज रहत और नोट पानी तो बनत ना। ये ऐसा खड़हर लेख भर के यह कुल का विकास का फल? विकास में तो विकास नहीं भर यहाँ गांव में, नहीं विकास ना देखल जा। अरविंद राजभर जिंदाबाद। आप देख सकते हैं इस गांव में माहौल काफी, लोग इतने जोश में हैं।
ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में सुहेल देव पार्टी का यहाँ पे जलवा है। चूंकि यहाँ एक समाज के लोग हैं लिहाजा इनका गुस्सा लाजमी है, लेकिन हम किसी अन्य गांव में चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ के विधायक और सूबे की योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने क्या विकास किया है और वहाँ का माहौल कैसा है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।